हाँ तो नमस्कार। तो हम लोग आए मंदिर अभी प्रसाद चढ़ाने के लिए। आप लोगों को, आप लोग कह रहे थे कि सर हमको दिखाइएगा, तो देखिए हम लोग मंदिर आए हैं और ये हमारे ऑफलाइन के सारे स्टूडेंट लोग हैं, सब दोस्त लोग हैं। देखिए फटाफट से, ठीक है ना, सब लोग आए कर दीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूजा हो रहा है, मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ। तो ये हमारा मंदिर है जी आसपास का, ठीक है, और ये यहाँ का नज़ारा है, देख लीजिए। बहुत ही करीब, अगर आप लोग कभी हमसे मिलने आएंगे तो यही मंदिर आप लोगों के लिए निशानी रहा। आप लोग कहेंगे कि ठाकुरवारी मंदिर के पास हमारा घर है, तो आप लोग यहाँ पर आइएगा, ठीक है, तो आराम से देख पाइएगा। ये हमारा मंदिर है, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। अच्छा मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर के नाम से ये फेमस है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मंदिर है, यहाँ पर आप आएंगे और आराम से आने के बाद किसी से भी पूछेंगे हमारा नाम या फिर अपने कोचिंग का नाम, तो कोई भी आराम से आपको बता देगा। और फिर यहीं पर मैं भी आया हूँ पूजा, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग शाम को कभी कभी आकर के यहाँ पर बैठा करते हैं। ये आप लोग का, या जो आप लोग देख रहे हैं बैठने के लिए, कभी कभी बैठते हैं, बड़ा बड़ा सुकून मिलता है। पर आजकल तो ऐसा हो गया ना कि फुर्सत ही नहीं मिल पाता, क्योंकि उस समय आप लोगों का क्लास होता है, ठीक है। तो कभी अगर आप लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर घुमाने लेके आऊँगा। वो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर पीछे में शेर बन रहा है, जो कि वो हमारा दुर्गा मंदिर हो गया। ये हमारा है ना, ये हमारा राधा कृष्ण का मंदिर जी है, वो हमारे भोलेनाथ का है, और एक यहाँ पर हमारा पार्वती माँ का मंदिर है। तो यहाँ पर और उस पार देखेंगे तो हम लोग का उस तरफ माँ शारदे का मंदिर है, जो कि नया नया बना है। उधर हमारा पीछे हाट भी है, तो बहुत बढ़िया जगह आप कह सकते हो कि है, तो देहात में मतलब ज़्यादा शहरी तो नहीं है, लेकिन है बड़ा अच्छा, आप लोगों को शहर से बढ़िया फील देगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जैसे ही पूजा होता है फिर हम लोग प्रसाद लेंगे और उसके बाद चलेंगे, देखते हैं अगर टाइम मिला तो आज क्लास ज़रूर लेंगे हम। धन्यवाद। राधा कृष्ण जी का मंदिर है, हम आपको दिखाते हैं जी, ठीक है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे मूर्ति है राधे कृष्ण का, और आप लोग तो सभी लोग जानते हैं ये किसके प्रतीक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। और आप लोगों ने तो ये एक कविता भी पढ़ा होगा इसके बारे में, प्रेम अयनी श्री राधिका, रस खान जी ने बहुत बढ़िया ढंग से बताया है। तो देखिए कैसे कैसे मेरे नटखट गोपाल हैं और माँ मेरे बच्चे राधा है, कितना प्यारा इन दोनों का जोड़ी है, देखो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग भी पढ़ लिख लोगे बच्चे ना, तो बढ़िया ऐसा जोड़ी मिलेगी आप लोगों को भी, बस पढ़ोगे तब, ऐसे नहीं मिलेगी जी, ठीक है।